दोस्तों आज हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में और इनमें क्या अंतर है। नंबर वन, हीमोडायलिसिस के लिए मरीज को किसी हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर में जाना होता है, वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस घर में ही किया जा सकता है। नंबर टू, हीमोडायलिसिस आमतौर पर एक हफ्ते में 3 बार किया जाता है जो कि 3 से 4 घंटे के लिए होता है, वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस डेली बेसिस पर किया जा सकता है जिसकी वजह से यह ज्यादा फ्रीक्वेंटली किया जा सकता है। नंबर थ्री, हीमोडायलिसिस के लिए वास्कुलर एक्सेस क्रिएट किया जाता है जैसे कि एवी फिशला या एवी ग्राफ्ट। वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस में एक कैथेटर को सर्जिकली पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। नंबर फोर, हीमोडायलिसिस के लिए मरीज को हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर में मल्टीपल इन्फेक्शन का खतरा रहता है, वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ ऐसा नहीं है। नंबर फाइव, हीमोडायलिसिस को परफॉर्म करने के लिए एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस मरीज खुद ही परफॉर्म कर सकता है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।